आप भी मंच पर आए और सभी डॉक्टर जगदीश चंद्र हमारे बीच इस वक्त है एंड वी ऑल्सो हैव विद अस डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन. आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक के. एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर अर्पित चोपड़ा. सोशल मीडिया पर आपके हजारों ऐसे मरीज हैं जिनके वीडियो अपलोडेड हैं, हमने भी देखे. आपने 300 से ज्यादा लोगों की बीमारियां भी ठीक की हैं. सबसे पहले आप मुझे ये समझाइए, 300 प्रकार की बीमारियां 3000 से ज्यादा लोगों की बीमारियां आपने ठीक की है. सबसे पहले तो आप ये समझाइए कि ये संभव कैसे हो. ये आपने जो रिसर्च किया ये श्योर है कि आपने सोशल मीडिया में मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा या वेबसाइट पे देखा? मैंने कुछ आपके वीडियोस देखे. एब्सोल्युटली, मतलब थैंक गॉड कि आपने मेरे चैनल पे देखा. तो ये खुशकिस्मती है या ये कह सकते हैं कि भारत का सौभाग्य है कि हमने क्योर्ड पेशेंट का डेटा दुनिया को एविडेंस बेस्ड सिस्टम के हिसाब से शेयर करना चालू कर दिया है और वो भी एक नया सिस्टम के हिसाब से जिसका नाम दिया है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी. देखिए दोस्तों, होम्योपैथी बहुत ही बेसिक सिस्टम था जिसमें बहुत ही बेसिक केसेस देखे जाते थे कि स्किन है, हेयर है, बेसिक तरीके के केसेस. पर अगर हम बात करें क्रिटिकल केसेस की जिसपे मेडिकल साइंस में काफी रिसर्च की संभावना है और इवन ये भी होता है कि 70% केसेस ऐसे हैं जिसमें एलोपैथी में भी रिसर्च चल रहा है लेकिन रिसर्च होने के बावजूद भी इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन अभी तक दुनिया को अभी तक नहीं मिला है. कई चीजें ऐसी है जो अभी भी हम उस पर काम कर रहे हैं. तो उसमें हमारा एक प्रयास है कि हम होम्योपैथी से एक सुपर स्पेशलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन करके एक नया कंसेप्ट प्रोड्यूस करें जिसमें हम होम्योपैथी को एग्रेसिव ट्रीटमेंट के रूप में यूज करें. क्योंकि जो सुपर स्पेशलिटी केसेस होते हैं वो नेचुरल तरीके से, चाहे वो कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट हो, जो कई बार ऐसा होता है कि कीमो रेडियो सर्जरी के बावजूद भी हेल्पलेस हैं, उसमें हम मदद कर रहे हैं. और उसमें जो डेटा है वो काफी जो अचंभित करने वाला डेटा है कि उनकी रिकवरी देखने में आ रही है. उनकी जो ब्रेन ट्यूमर की गठाने हैं या बड़ी बड़ी 9-9 सेंटीमीटर की गठान है वो बिना सर्जरी डिजोल्व हो रही है और होम्योपैथी की मदद से डिसॉल्व कर रही है जिसमें हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं. बड़े बड़े जो किडनी ट्रांसप्लांट वाले केसेस हैं जिसमें करीब क्रिएटिनिन 18 तक पहुंच गया है जिसमें ट्रांसप्लांट बताया जाता है, डायलिसिस की मजबूरी होती है, हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के कंसेप्ट से उनके ट्रांसप्लांट बचा रहे हैं, उनकी किडनी को वापस नॉर्मलाइज करके या उन्हें नेचुरल जीवन दे रहे हैं. बिना डायलिसिस के वो जीवन जी सकते हैं और उनका क्रिएटिनिन 1 या 1.5 के आसपास आकर फिर से कंट्रोल हो रहा है. कई ऐसी सर्जिकल बीमारियां जिसमें हम कह सकते हैं गॉल ब्लैडर का स्टोन है, बच्चेदानी में गठान है, छाती में गठान है, ब्रेन में ट्यूमर है, इस तरीके की कई केसेस होते हैं जिसमें हमें ना चाहते हुए भी सर्जरी का सामना करना पड़ता है और अपनी चीजों को गंवाना पड़ता है. हम सर्जरी इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी की जान बचा सकें. पर अगर ये जान बचाने का काम हम बिना काटे पीटे और बिना सर्जरी के सीधा सीधा दवाइयों से कर दें तो शायद इस दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा. डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक. डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक. एक्सीलेंस इन होम्योपैथी ट्रीटमेंट.
सो सर, आज आप हमारे विजन ऑफ न्यू इंडिया के इवेंट में आए, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं और एक अपना एक्सपीरियंस बताएं कि विजन ऑफ न्यू इंडिया का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज के इवेंट में। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा एक्चुअल विजन है उसको विजन ऑफ न्यू इंडिया के नाम से भारत 24 ने प्रोड्यूस किया, और नो डाउट आपका जो चैनल है वो अभी भले एक साल से काम कर रहा है, पर एक साल में मुझे ऐसा लगता है कि विजन ऑफ न्यू इंडिया जो कंसेप्ट आपने लाया है ये पूरे दुनिया के लिए फायदा कर सकता है। चूँकि हमारे क्लिनिक का भी विजन यही है कि हम आरोग्य देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब किसी भी पेशेंट को हम फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग देते हैं ताकि वो जड़ से उसकी प्रॉब्लम को, उसकी बीमारियों को हम समाप्त करके उसको फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग देकर समाज में खड़ा कर सकें। उसी प्रकार से एक नया कंसेप्ट जो लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं हम सुपर स्पेशलिटी, जो मॉडर्नाइजेशन है होम्योपैथी का, उसके लिए हमारा विजन था कि हम होम्योपैथी को भी इस तरीके से चेंज करेंगे जो इंडिया से एक्सपोर्ट करने के हिसाब से हम सुपर स्पेशलिटी केसेस में काम कर सकें, जिसमें कैंसर, किडनी फेल, कोमा, सर्जरी, आखिरी स्टेज के जो पेशेंट होते हैं जिनके लिए उम्मीद खत्म हो जाती है, मेडिकल साइंस होपलेस अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे केसेस में जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो हमारा एक विजन था। और उस विजन के लिए जो 20 साल की मेहनत थी उसको हमने कहीं ना कहीं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने जो हमारे लिए जो मेहनत की, और निश्चित रूप से ये साकार हो रहा है। मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि संभव करना पड़ता है। अगर मेडिकल साइंस में अगर ये लिखा है कि कोई चीज़ नहीं हो सकती तो आप इसके लिए हार मत माने, अपना जुनून रखें और कहीं ना कहीं रिसर्च करें। जिस तरीके से विजन ऑफ न्यू इंडिया एक नया जुनून है आपके लिए, लोगों को फायदा दे रहा है, वैसे ही सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का कंसेप्ट निश्चित रूप से इंडिया का नाम भी आगे ले जाएगा और भारत में होम्योपैथी को एक नई पहचान दिलाने के लिए मेरा ये जो प्रयास है आपके माध्यम से जरूर पूरा हो पाएगा। इसी आशा के साथ मैडम आपको थैंक यू, और आपके न्यूज़ के लिए जो आपने हमें इतना अच्छा कवरेज दिया, और भारत 24 की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। Thank you.
जैसे कि आपके चैनल का विजन है, विजन ऑफ न्यू इंडिया, सेम वैसा ही मेरा एक कुछ अलग विजन है कि हम होम्योपैथी को, इंडियन होम्योपैथी को वर्ल्ड वाइड अगर भेजना चाहें, जो जर्मनी से आई थी उसे हम क्लासिकल होम्योपैथी कहते हैं, जिसे हम बेसिक केसेस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी के बारे में ज़्यादातर यही माना जाता है कि जो छोटे मोटे केस हैं उसको हम भेज करें, पर जो क्रिटिकल केस होते हैं जैसे कि कैंसर के केसेस हैं, आखिरी स्टेज के कैंसर हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जो ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं, जो सर्जिकल पेशेंट हैं जो सर्जरी कराने के लिए मजबूर हैं, एक तरीके से आटो में बीमारियाँ जिसमें एक तरीके से जीवन भर दवाइयाँ एस्ट्रोइड या मेडिकल खाना होता है, पर उन बीमारियों का एलोपैथी में भी इलाज नहीं है, उसमें काफ़ी सारा रिसर्च हो रहा है, और ऐसे ही कई टाइप से प्रॉब्लम जैसे सर्वे भी हो रहा है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस तरीके की कई बीमारियाँ जिसमें जीवन भर दवाई खाना पड़ता है, तो ऐसी बीमारियों के लिए अगर होम्योपैथी से अगर हम कुछ नया करना चाहें तो उस विजन को चेंज करने की जरूरत है, तो जैसा आपका विजन था विजन ऑफ न्यू इंडिया, वैसे ही हमारा एक विजन है कि हम होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी बनाकर होम्योपैथी को इम्पोर्टेड होम्योपैथी की जगह एक्सपोर्टेड होम्योपैथी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दोनों विजन के लिए एक बार ताली हो जाए। तो एक्सपोर्टेड होम्योपैथी अगर होगी तो मैं जो कहेगा कि इंडिया से अगर कोई विजन जाएगा तो कुछ अच्छा ही होगा, जैसे कि हम वर्ल्ड वाइड हम सभी फील्ड में इंडिया से अच्छा करने जा रहे हैं, तो होम्योपैथी में हमने क्रिटिकल केस जो डील की उसके लिए फास्ट ट्रीटमेंट लॉन्च किया, फास्ट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि होम्योपैथी बेसिक ट्रीटमेंट था, स्लो ट्रीटमेंट ऐसा माना जाता था और क्रिटिकल केसेस में आपको टाइम नहीं मिलता, अगर कोमा का पेशेंट है वेंटिलेटर पर है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेशेंट 5 दिन 10 दिन से ज़्यादा वेंटिलेटर को अफोर्ड कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीट लेना, पर ऐसे केसेस में अगर सुपर स्पेशलिटी मॉडल होम्योपैथी से अगर हम इन्वेसिव ट्रीटमेंट देकर किसी ध्यान से जा सकें, किसी को कैंसर रेडी लास्ट स्टेज के पेशेंट्स को जान दे सके और उसके लिए अच्छा कर सके, फिजिकली मेंटली सोशली को वापस खड़ा कर सके, ऐसे ही 3,000 से ज़्यादा पेशेंट का रिकवर हमने जारी किया है, तो मेरे लिए इंडिया से जो विजन जाएगा उसको हमने नया नाम दिया जिसका संरचना जो आप लोगों की है कि हम इस डेटा को जब WHO को देंगे तो निश्चित रूप से जब कोई भी आधारशिला और हम एविडेंस बेस्ड डेटा को जब हम सबमिट करते हैं तो उसको वेरीफाई किया जाए, और उसको वेरीफाई करने के बाद अगर उनको लगता है तो हमें क्रॉस चेक करें, जितने भी पेशेंट्स के डेटा है वो उसको जस्टिफाई करें, और इसके लिए हमने इसके लिए ओपन ऑप्शंस भी रखे हैं, हम कई जगह डिबेट्स में भी जाते हैं, हम डॉक्टर्स के बीच में भी जाते हैं और अपने डेटा को सबमिट भी करते हैं, इवन आपके चैनल के माध्यम से भी हम वर्ल्ड वाइड इस डेटा को कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता के रूप में बताने के लिए कोशिश करते हैं, तो जो YouTube का चैनल है वेबसाइट है उसमें इस डेटा की भरमार है, करीब 3,000 से ज़्यादा पेशेंट का डेटा लाइव है, 2,300 से ज़्यादा पेशेंट्स के फीडबैक डायरेक्ट लाइव सेशन के थ्रू आप सुन सकते हैं, तो चूँकि यूट्यूब एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम
जब हम कोई चीज सही बात बताते हैं तो सच जब आता है तो लोग उसको इंस्पायरेशन देते हैं और कहीं ना कहीं उसको हमको उसका फायदा भी मिलता है और लोगों को उसकी जानकारी भी मिलती है। और आप लोगों के आशीर्वाद से या हमारे प्रयास से ये कह सकते हैं कि आज इंदौर में रहकर एक हमने ग्लोबल सेंटर बनाया, जो इमेज हमारी पहले इंदौर की लोकल क्लिनिक की थी, आज के डेट में हम कह सकते हैं इस मंच के माध्यम से भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि आज हमारे क्लिनिक की इमेज या मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी की इमेज आज के डेट में ग्लोबल क्लिनिक के रूप में पहचाना चुकी है। और करीब 19 देशों के ट्रीटमेंट में जो इंडिया से हम लोग इंदौर से एक टीम वर्क में मैनेज करते हैं, जिसके लिए मेरी करीब 8 डॉक्टर्स की टीम है जो उसको ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू हम रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप या चैनल के थ्रू या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अवेल करते हैं, उनसे केस टेकिंग लेते हैं और यहाँ से दवाइयाँ बनाकर कुरियर के माध्यम से उन देशों में भारत से सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी की सेवाएं वर्ल्ड वाइड दे पा रहे हैं, ताकि इंडिया का भी नाम जाए और कहीं ना कहीं देश का नाम जाएगा तो सबका फायदा होगा। क्योंकि आपने नाम की बात की, पहचान की बात की, पसंद है। अगर सनातन धर्म की बात करूं तो आजकल सनातन धर्म को लेकर सर ये बहुत ही अद्भुत है सर, ये पूरा देख रहा हूँ। प्रियंका जी के चेहरे पे लाइट चली गई ना। हाँ और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है एक्सलेंस इन होम्योपैथी की कैटेगरी में। आप एमडी हैं, होम्योपैथी क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक के डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के लिए जोरदार तालियां। अब आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर राकेश पांडे को और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है एक्सलेंस इन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस के लिए। आप प्रोड्यूसर एंड एक्टर है सीएमडी। पूरा ऐसा पूरा सामने तन के चलता है ना, पूरा वेट बाहर रह रहा है। हाँ, इसे जाके बेटा बेटा बैठ के उठ के बताना, बैठ के उठ कैसे उठेगा, बैठ जा है ना। हाँ कैसे उठते हो ये बताना आप, है ना, कैसे उठते हो ये बताना बस। जैसे ये उठा, हाँ ये इसने ताकत निकालने के लिए पैर को उधर लिया पीछे और ये घुटनों पर आएगा हाथ, ये देखो मतलब ग्रोवर साइन है, ये घुटनों पे लोड लेके उठ रहा है अभी ये। ठीक है ठीक है, देता हूँ मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रीटमेंट दूंगा इसको, देना आप अच्छे से, है ना, इसमें टेम्परेरी कुछ नहीं है, एग्रेसिव ट्रीटमेंट रहेगा, फास्ट रहेगा, करते हैं, देता हूँ मैं, चिंता। Thank you.
सकें तो वन सेकेंड थैंक यू वेरी मच और थैंक्स फॉर योर थैंक यू थैंक्स।